इंडिया में ये वो लोग हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी सी अच्छी चीज समझाता हूं। ये कौन है? ये जो खदान है वो है शेयर मार्केट। ये जो सोने की खदान आपको दिख रही है वो कौन है? शेयर मार्केट। ये कौन है? ये जो दो लोग हैं बेसिकली, ये शेयर मार्केट में बरसों से कुंडली मार के बैठे हैं। इनको पता है शेयर मार्केट बहुत बड़ी सोने की खदान है, बहुत पैसा आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से पैसा कमाया, उनको पता है शेयर मार्केट एक बहुत बड़ी सोने की खदान है, लेकिन ये लोगों को डरा के रखते हैं। ये कौन है? ये इंडिया में वो लोग हैं, एवरेज फैमिली, बिलो एवरेज, जो थोड़े से रिस्क टेकर है, जिन्होंने थोड़ा सा डीमैट अकाउंट खुलवा के रखा है, बोले कि चलो रिस्क उठा के देख लेते हैं, शेयर मार्केट में मौका मिलेगा तो कमा लेंगे। लेकिन ये कौन है पता है? ये हम सारे ही हैं जिनका कोई डीमैट अकाउंट नहीं, नो डीमैट अकाउंट, वो ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जिंदगी में नो शेयर मार्केट, उनका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, उनको कोई रिस्क नहीं उठाना है। ये हिंदुस्तान के कितने लोग है पता है? ये हिंदुस्तान की 96% जनसंख्या है। हिंदुस्तान के 96% लोग शेयर मार्केट से दूर रहते हैं, उनका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है। आपको बता देता हूं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तब जाके कहीं आप शेयर खरीद सकते हो। 96% जनता इंडिया की रिस्क उठाना नहीं चाहती, उनके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, उनको ये टैबू लगता है, उनको ये हवा लगता है, उनको ये जुआ लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा रिस्क कोई जिंदगी में है ही नहीं। ये हैं वो लोग, 96% लोग। इनमें से ये कौन है? ये इंडिया के वो 4% लोग हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है, लेकिन फिर भी इनकी हालत खराब रहती है, कौन जाके पंगा ले। लेकिन ये है वो रिचेस्ट मैन जो पैसा कमा के यहां से मलाई खा के निकल जाते हैं। तो आप लोग किस में आते हो जरा आप चेक करना। मैं आपको कैटेगरी देता हूं, आप कैटेगरी ए में आते हो, ये कैटेगरी ए है जो शेयर मार्केट की पूरी मलाई खाती है। ये कैटेगरी बी है जो थोड़ी बहुत मलाई खाने के लिए जो बचा खुचा होगा तो ये लोग खा लेंगे। कैटेगरी बी है जिनके पास डीमैट अकाउंट है। और ये इंडिया की 96% कैटेगरी है जो कैटेगरी सी में आती है, जिनके पास कोई डीमैट अकाउंट ही नहीं है। शेयर मार्केट तो दूर दूर की बात है, डीमैट अकाउंट ही नहीं है, कहां शेयर खरीदेंगे। तो मैं आपको बोलता हूं ईमानदारी से बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी ए में आते हो, बहुत मुश्किल है। कैटेगरी बी में आते हो कि कैटेगरी सी में आते हो? मैं किस में आता हूं? मैं कैटेगरी बी में आता हूं बिकॉज आई हैव अ डीमैट अकाउंट। और मैं बी से भी बी प्लस में आता हूं क्योंकि आई नो, ये बी नहीं है, ये बी से भी बी प्लस में आता हूं क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर भी हूं, मैं भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं। मैं बी से भी बी प्लस में आता हूं। तो बी में दो कैटेगरी मान लो, जिनके पास डीमैट अकाउंट है और रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। जिनके पास डीमैट अकाउंट है, जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते ही नहीं है, जिनके कोई लेना देना नहीं, अकाउंट है बस खोल के रखा है मजे के लिए, ठीक है देखा जाएगा। सो आप चेक करो आप किस में आते हो। मैं बी प्लस में आता हूं, मेरे पास डीमैट अकाउंट है, मैं इन्वेस्ट भी करता हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो। लेकिन ये अमीर लोगों की सूची में अभी तक नहीं आया हूं जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया है। तो ये है शेयर मार्केट, हमें डरा के रखा जाता है, एक टैबू बना के रखा जाता है, डर के रहो, रिटेलर्स को दूर रखा जाता है। आपको पता है शेयर मार्केट को कभी कभी हिलाया जाता है, आप कभी भी गौर करना जिसको शेयर मार्केट की बारीकियां पता है, शेयर मार्केट को कभी कभी हिलाया जाता है ताकि रिटेलर अपना पैसा निकाल ले। पहली बात तो रिटेलर आए ही नहीं, रिटेलर का मतलब हम जैसे आम लोग, पहली बात तो वो आए ही नहीं, और जब आए और शेयर मार्केट को ये लोग हिलाएं तो फटाफट से भाग जाए डर के मारे। जब भागेगा तो जो शेयर होंगे यही अमीर लोग खरीद लेते हैं और फिर उससे वो पैसा जोड़ते हैं, ऐसा होता है। और अभी भी शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं, इतनी बड़ी खदान जिसको लोगों से छुपा के रखा है।